So currently we are shooting at a place which is in Pune, and this is just amazing space. You can have a look at it. So this is the place where we are shooting right now. And I've been invited as a celebrity guest. बहुत tension है इसको लगे क्योंकि मैंने ऐसा कभी segment किया नहीं है. I was always thinking about it. तो मेरा एक दोस्त है यहाँ पे जिसके साथ मैं यू नो आई यूज टू स्ट्रगल, जहाँ पे मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था एंड ही यूज टू बी द DOP. तो आज मैंने सोचा कि यार इस बंदे को कहीं पे ना देखा है मैंने. दैट आई गॉट टू नो कि यार हाँ हम लोग ना एक साथ में आई वुड वाज एन AD एट अ प्रोजेक्ट एंड ही वाज DOP एट दैट टाइम. सो वी गॉट टू नो. सो एक साल पहले जो चीज़ मैंने विश की थी वो आज यहाँ पे कम्प्लीट हो रही है. आई फील वेरी लकी फॉर इट. Introducing Egg. Won't check in like me. This is going to be my thumbnail. ये फंस गया सी है. गाइस आई वुड लव टू शो यू अभिषेक उपमन्यु. ही इज ऑन माय सेट. और वो बोल रहा था ना हमेशा कि यार क्या करूं मैं, जॉब छोड़ दूं. ही हैज डेफिनेटली लेफ्ट हिज जॉब एंड ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी. आई विल शो यू अभिषेक उपमन्यु. उपमन्यु अभिषेक. या दैट्स अभिषेक उपमन्यु. क्या बोला तूने? अभिषेक. या दैट्स अभिषेक उपमन्यु. So many people have called him Abhishek Upamanyu that even he responds to that thing. कि यार अभिषेक बोलने के बाद वो घूम जाता है. So yeah, अभिषेक उपमन्यु ने जॉब छोड़ दिया. He is working full time with Clubchur. तो आप देख सकते हो Clubchur का रीच कितना है. सागर, सॉरी अनिकेत, सॉरी संकेत. सागर भी नहीं, अनिकेत भी नहीं, संकेत भी नहीं. संकेत यू नो व्हाट आई मीन. सागर कौन है? हमचे दोघांचे पण तोंडात सकाळपासून सागर बसला आहे. त्याच्यामुळे मी सागर. सागर, संकेत, अनिकेत, इतको हे कन्फ्युजन आहे. सो नीट संकेत. मैंने सब सुन के ही 15 मिनट हो गए थे. फिर उसके बाद सेगमेंट्स थे तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं वो चल रहा था कि यार इसके ऊपर कुछ आइकॉनिक बनाना है बनाना है. सो आई जस्ट, अरे तुम्हें कहाँ थाम लेता शेर, कहाँ थाम लेते तुम यहाँ से. किती चहा घेऊ मी नक्की? हा घेऊ का हा घेऊ? आपला ब्रँडेड जो असेल तो घेऊ का? अपन रहते हैं सख्ती से, अपन ऐसे पिघलते नहीं है. Oh my goodness, this is not fair. Sigma rule. मी तुला घेतलं त्यांनी मुलीचं घेतलं. बोल आता काय का सिग्मा रूल बता. तू माझ्याकडे घेतलं सिग्मा रूल की कोणा तरी झालं असेल तर. Thanks a lot. So I have done these two improvisations. One is of Naughty America and the second one is of an iconic movie, that's Banwa, Ashi Banwa Banvi. ठीक ही हुआ है, मतलब जितना टाइम मिला था उसमें वो ही हो सकता था. And I enjoyed it. अभी देखते हैं क्या होता है. Munal, how am I doing? मतलब मैं चांगलग, मैं अच्छा कर रहा हूँ या मैं बहुत बुरा कर रहा हूँ या ये होगा ही नहीं एडिट. You are as usual great. So Munal was having this belief that Saint in baggy means baggy. She used to think it's a jute bag. और एक saint है जिसको jute bag में रखा हुआ है. असली बात है. She loves chai as well. So इसकी रगों में भी चाय दौड़ता है. मैंने अभी फिलहाल इस साल थोड़ा चाय कम कर दिया, बट आई वॉज ऑल्सो चाय पर्सन. मैं भी पण कमी केलं. मी आत्ता भी पिए चाय सकाळपासून. चाय के बारे में आपका क्या कहना है? आप चाय के लिए क्या क्या कर सकते हो? चहा लागतो सकाळी. चाय इज वेरी इम्पॉर्टेंट इन युअर लाईफ. बाबू शोना का मेसेज आय ना आय, मुझे चाय चाहिए. ओके ओके. इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन माय लाइफ ऑफ माय. बस दैट्स द ओनली थिंग. आई थॉट यू कुड डू एनीथिंग फॉर चाय. रुको जरा, सबर करो. चाय विल डू एनीथिंग फॉर मी. That's the DOP shoot and that's the camera over there. In your face. My face is 73. In your face. That's Shubham. He's got the camera and the lead DOP. That's Abhishek Upamanyu, I guess. मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? So this was the first experience that I had. Actually, मेरा first time ऐसा celebrity segment चल रहा था, तो I was very weak at it. Weak in the sense कि मेरे director को चाहिए था, तो मुझे लगा कि यार इंटरव्यू जैसा एक फन सेगमेंट ही चल रहा है, इसमें क्या रेटिंग ले रहे हैं. बट इट्स क्वाइट अ न्यू थिंग दैट आई लर्न कि आप यू हैव टू बी वेरी क्विक एट इट. यू हैव टू बी इम्प्रोवाइजिंग कॉन्स्टेंटली एंड एंटरटेनिंग एट द सेम टाइम.
तो ये चीज़ मुझे काफ़ी सीखने को मिली इससे. एंड मैंने सोचा कि हाँ यार, इफ आई वॉज अ डायरेक्टर ऑफ अ यूट्यूब वीडियो, आई डेफिनेटली वुड हैव आस्क्ड द सेम थिंग टू फॉर माय एक्टर्स एज वेल. इवन दो इट्स अ इंटरव्यू किंवा सॉर्ट ऑफ सेगमेंट आहेत, कसं करतो बरं वाटतं, दिसायला बरं दिसतं, काय रेकमेंड करशील तू मराठी इंडस्ट्रीला किंवा बॉलिवूडला की बाबा मी आलो पाहिजे की नाही? अरे आलंच पाहिजे. माझे थोडे स्नॅप्स दाखव ना जरा, मी हे दाखवतो. सो दिस इज द सेटअप अँड दिस इज हाऊ वी वेल लुकिंग इन दिस. ओके, सो वी जस्ट डिड अ ट्रान्झिशन व्हिडिओ, कर प्ले करू. या या एक मिनिट. सो सर तुला सेटअप हलवायचं का तिकडे? शिवाय नाही पडणार ना तुला? नाही पडू शकतात, पण एक मिनिट आहे माझ्याकडे. तुम्ही लोक काम करा, टाइमपास काय कर रे तुम्ही? सॉरी 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 सर. हेलो गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट द व्लॉग. उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा. पिछले वाले व्लॉग को 350 लाइक्स मिले थे, इस बार एम करते हैं 500 लाइक्स का. मामूली सी बात है, बस एक लाइक बटन तो दबा देना है. फिलहाल थोड़ा सा मतलब कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम हो रहा है, बट यार आप समझ लो थोड़ा सा. मैं अश्योर करता हूँ कि आगे दो व्लॉग्स आने वाले हैं और वो काफ़ी अच्छे होंगे. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. जितना प्यार आप इंस्टाग्राम पे दे रहे हो उतना यहाँ पे भी दीजिए, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले कि यार मैं और कॉन्टेंट बनाऊँ. कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब टू द चैनल. बाय. अगर खुद का स्टूडियो ना तो उसका एक अलग ही फायदा होता है. यहाँ से ये बंदा यहाँ पे रहता है, तो पूरे लॉकडाउन में पूरी दुनिया जब ठप पड़ी थी ना, तो ये बंदा डांस कर रहा था यहाँ पे इतनी बड़ी जगह पे. मेरे पास अगर इतनी जगह होती तो मैं कितना कंटेंट बना पाता.